इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए अब क्या रखनी चाहिए आपको स्ट्रेटजी आपकी कल की तैयारी कराने के लिए। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी का स्वागत करते हैं। और साथ ही खास मेहमान जो है हमारे साथ वो है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी आपका भी बहुत स्वागत है। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ अपनी एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च के साथ। आशी चतुर्वेदी, कुशल गुप्ता, वरुण दुबे और देवांशी आशर से हम बात करेंगे शो में। उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। आज क्या हुआ बाजार में? लगातार हमने देखा भारी बिकवाली का शिकार हुआ बाजार। ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स 1080 अंक और निफ्टी 317 अंक गिरकर बंद हुए। बैंक शेयरों में आज जमकर मुनाफा वसूली देखी गई और बैंक निफ्टी 900 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट पर बंद हुए। आज खास तौर पर एफएमसीजी और मेटल को छोड़कर करीब सभी सेक्टरों में गिरावट देखी गई। और बाजार में आज की गिरावट इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि आज बाजार बहुत अच्छी मजबूती के साथ खुले थे, लेकिन इस मजबूती को बाद में दिन में बाजार संभाल नहीं पाए। FIIs और DIIs की तरफ से क्या आज संकेत हमें मिले, इस पर भी नजर डालते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1258 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1116 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में बिकवाली की है। आइए अब अनिल जी से समझते हैं एडिटर्स टेक में कि आखिरकार जो मजबूती के साथ बाजार की शुरुआत हुई थी उसको बाजार संभाल क्यों नहीं पाया और बाजार इतना ज्यादा क्यों टूटा? लगातार पांचवें दिन भारतीय बाजारों में आज रही जबरदस्त कमजोरी। आज भी शुरुआत दमदार हुई, दुनिया भर के बाजारों से मजबूत संकेत थे। डाउ ने रिकॉर्ड हाई बनाए, लगभग आधे दिन से ज्यादा हमने अच्छे से तेजी के साथ कारोबार किया, लेकिन फिर वही कहानी, आखिरी में या मिड सेशन में जाकर बाजार दम तोड़ देते हैं। FIIs की बिकवाली तेज होती हुई दिखती है और आज भी वैसा ही हुआ, लेकिन आज जो मार पड़ी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। एक बार की तो भारतीय बाज़ार 14,500 के नीचे भी फिसले, बड़ी मुश्किल से 14,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे और बैंक निफ्टी पर तो 34,000 के भी नीचे जाकर बंद होते हुए दिखे। यानी कि लगातार पाँचवें दिन जबरदस्त दबाव रहा। शुरुआत मजबूत हुई, उसके बाद एक्सपायरी का हफ्ते की एक्सपायरी का दिन था तो आखिरी एक डेढ़ घंटे में वापस से रिकवरी भी आई, लेकिन उसके बावजूद अच्छा सेशन नहीं रहा। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह कि कई सारे स्टॉक्स, कई सारे मिड कैप काउंटर्स, कैश के स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब प्रेशर देख रहे हैं। एक के बाद एक मजबूत सेक्टर्स पर भी बिकवाली का दबाव आता दिख रहा है। आखिरी उम्मीद जो सपोर्ट के तौर पर है उसके आसपास बाजार आज पहुंचे भी है, तो एक और ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, दूसरी ओर FIIs की बिकवाली, और इन सब के बीच में जो ट्रिगर बना वो ये था कि बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में 1.7 के ऊपर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो भले ही ग्लोबल मार्केट्स ज़्यादा ना गिरे हो, लेकिन भारतीय बाजारों को ये डर है कि कहीं आज रात अमेरिका में कमजोरी वाला सेशन ना हो। कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आ ही रहे हैं, FIIs की बिकवाली है भी, तो ये 3-4 कारण मिलकर बाजार में ऊपरी स्तर पर प्रेशर बना रहे हैं और लगातार बिकवाली होती दिख रही। तो लगातार 4 सेशन इस हफ्ते के और पिछला फ्राइडे भी ले लें तो 5 सेशन से भारतीय बाजार जबरदस्त दबाव में है। बिल्कुल अनिल जी से आप समझेंगे थोड़ी देर के बाद कि आप कल बाजार से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजार जब खुलेंगे संकेत क्या बाजार ले सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सेक्टर स्पेसिफिक अच्छे से समझ लेते हैं कि आज बाजार में कौन से ऐसे शेयर थे जहां पर तेजी दिखी, कहां पर थी नरमी, और ये बता रही है हमारी सहयोगी देवांशी हमारे साथ। बताइए देवांशी। आज एक्सपायरी के दिन बाजार में बड़ी गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा और क्लोजिंग भी लाल निशान में होता हुआ दिखा था। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बाजार लाल निशान में ही बंद होता हुआ दिख रहा है और आज के दिन एक्सपायरी के दिन भी हमने देखा बाजार कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखा था। दरअसल आप देखिए US मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें एक बार फिर स्पाइक आता हुआ दिखा है और इसी के चलते हमारे बाजार पर असर दिखी है। FIIs की लगातार सेलिंग है, इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि इस एक्सपायरी में जो कमजोरी थी वो हावी होती हुई दिखी। सबसे पहले अगर बात करें इंडेक्स की तो आज जो लगातार कई इंडाइसेस थे जो कि लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे थे, चुनिंदा स्टॉक्स थे जो आज हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखे थे। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें आज के दिन में हमने देखा ज्यादातर लूजर्स थे। IT स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट थी, फार्मा स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट थी और बैंकिंग फाइनेंशियल्स तो टॉप लूजर्स आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखे। हैवी वेट्स में सबसे ज्यादा गिरावट आज आती हुई दिखी। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें HCL Tech, Infosys, Dr. Reddy और Hero MotoCorp ये टॉप लूजर्स में शामिल होते हुए दिखे थे। और अगर गेनर्स की बात करें ITC आज का स्टॉक ऑफ द डे बनता हुआ दिखा। लगातार गेन्स थे,
दो ट्रेडिंग सेशन से, साथ ही बजाज ऑटो जो डिविडेंड पॉलिसी में बदलाव होता हुआ दिखा, इसके चलते गेन्स थे। हिंडालको और मारुति में भी आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी और ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल होते हुए दिखे। निफ्टी आईटी अगर बात करें, यहाँ पे टॉप लूजर बनता हुआ दिखा। सबसे ज्यादा गिरावट आज आईटी और फार्मा में देखने मिली है। इसमें भी आप देखिए एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, जेंसा टेक, ये सब लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए। फार्मा स्टॉक्स में भी डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी, अरबिंदो फार्मा, ये सारे स्टॉक्स में आज कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। और बैंकिंग स्टॉक में भी आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस, एसबीआई, सारे स्टॉक्स में लगातार दबाव आता हुआ दिखा। इसके अलावा खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स थे जिसमें हरे निशान में आज कारोबार हुआ। बीएचईएल एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, करीब 10,000 करोड़ का, इसी के चलते आज एक्शन में था। करीब 3.5% तक की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में। डिक्सन टेक स्प्लिट हुआ स्टॉक 1:5 के रेशियो में, इसके चलते आज अच्छी खरीदारी थी। इसके अलावा बजाज ऑटो और भारतीय एयरटेल जो फंड रेजिंग भारतीय एयरटेल में हुआ, इसके चलते भी थोड़े से गेन्स हमने इस स्टॉक में देखे हैं। वायदा बाजार में भी कुछ और स्टॉक्स थे, आईटीसी तो था ही टॉप गेनर था। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइज, इंटरग्लोब एविएशन और वोडाफोन आइडिया आज के दिन में थोड़े से गेंस के साथ बंद होते हुए दिखे। और आखिर में जो सुपर हिट कॉल्स आपको रेकमेंड किए गए थे, इनमें आपकी दमदार कमाई होती हुई दिखी। और सबसे पहले आप देखिए आईटीसी सिमी जी ने आपको रेकमेंड किया था, ग्रेफाइट इंडिया आज आपको रेकमेंड किया था सिद्धार्थ सिदानी जी ने, और साथ ही टोरेंट फार्मा जो आपको किरण जी ने बिकवाली की राय दी थी, इन सब में आपकी अच्छी कमाई होती हुई दिखी। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें तो आज बाजार में गिरावट थी, सारे इंडाइसेस आज लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे थे। चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज हरे निशान में एक्शन बनता हुआ दिखा, बट इन ऑल कमजोरी के साथ आज एक्सपायरी का दिन निकला। बिल्कुल, तो देवांशी से हमने समझा कि किस किस सेक्टर में क्या आज हमें आज मूवमेंट देखने को मिली है। हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, बाजार की इस कमजोरी में फिलहाल अभी स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? दूसरी बात ये, कल के लिए, अब कल का जो दिन होगा उसके लिए इंट्राडे के तौर पर आप कहाँ पर पिक सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहाँ पर की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से एक भारी गिरावट का दौर चल रहा है और हमने निफ्टी में अपने जो निफ्टी के रिसेंट हाईज है या जो लाइफ टाइम हाईज निफ्टी ने लगाए थे वहां से करीबन 800-900 पॉइंट हम ऑलरेडी गिर चुके हैं। अब इन लेवल्स पे आने के बाद मुझे लगता है वी आर समवेयर नियर द बॉटम। मुझे लगता है ये जो रुकावट है, ये जो गिरावट है, बिल्कुल अब थमनी चाहिए। हालांकि आज भी हम सुबह खुले अच्छी खासी तेजी के साथ, कल के इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव थे, बट ड्यूरिंग द डे जब हम बंद हो रहे थे उस समय एक तो जो एक्सपायरी का प्रेशर था, एक्सपायरी की वोलेटिलिटी थी, वो तो थी। इसके अलावा भी जो हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स जब 1.7% के करीब आ गई तो उसके कारण से हम नर्वस हो गए। और हालांकि डाउ फ्यूचर्स में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी बट हमारे बाजार में बड़ी भारी गिरावट आई है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये जो लेवल्स आ गए हैं, हो सकता है हम 50-100 पॉइंट कल वापिस नीचे खुले जिस तरह के आसार अभी भी नजर आ रहे हैं, बट वो एक मुझे लगता है खरीदारी करने का मौका होना चाहिए। वहां पे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जहां तक कल के लिए मेरी पिक का सवाल है, जो मेरी कल की इंट्राडे पिक रहेगी वो स्टॉक है बीएचईएल, जो कि अभी चर्चा भी कर रहे थे। एक दमदार कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से काफी पसंद आता है, पावर और डिफेंस सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। और आज इसमें खबरें भी थी कि इनको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से 10,800 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदा जा सकता है। कल के लिए मेरा इसमें टारगेट रहेगा 56 का, स्टॉप लॉस रखना है 49 का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है कुछ दिनों के लिए, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे गिरावट के बाद टाटा पावर में, जो कि आज 100 रुपए के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे बेहद ही दमदार थे, पावर सेक्टर बिल्कुल अच्छा कर रहा है, फोकस में है। और यहाँ पे जो एक खबरें चल रही है कि ये जो कंपनी है इनविट के जरिए एक बड़ा फंड जुटा सकती है, और अगर वो आता है तो फिर डेफिनेटली इनके जो डेट है बुक्स में उसको रिड्यूस करने में काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी। और वैसे भी ये कंपनी ईवी स्पेस के लिए भी काफ़ी सीरियसली परसू कर रही है, वहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन की भी बातें हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही है, और पावर सेक्टर वैसे भी अच्छा कर रहा है। तो टाटा पावर में 100 रुपये के लेवल्स पे पोजिशनल तौर पर खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली 120 रुपये का टारगेट है और 90 रुपये का स्टॉक। तो इंट्राडे पिक बीएचईएल सजेस्ट की है विकास जी ने और पोजिशनल व्यू टाटा पावर में रखने की सलाह दी है। बीएचईएल तो इंट्राडे की पसंद है ही विकास जी की, और जैसा कि विकास जी भी बता रहे थे एक बड़ा ऑर्डर के दम पर आज 5% तेजी हमने देखी बीएचईएल में, और किन वजहों से फोकस में है आशीष चतुर्वेदी से समझते हैं। देखिए
कंपनी को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से 10,800 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर काफी सिग्निफिकेंट माना जाएगा क्योंकि कुल ऑर्डर बुक अगर आप BHEL की देखें तो 1,07,000 करोड़, यानी जो नया ऑर्डर कंपनी को मिला है कुल ऑर्डर बुक का 10% हिस्सा है। कंपनी ने जानकारी देकर यह बताया कि कंपनी इस प्रोडक्ट में यानी जो न्यूक्लियर टर्बाइन है इसमें मार्केट लीडर है, इससे पहले भी कंपनी ने सप्लाई कर रखे हैं। और देखिए स्टॉक ऐसा है जो लगातार खबरों में बना रहता है। थोड़े दिन पहले एक एक्सक्लूसिव जानकारी के तौर पर हमने आपको ये बताया था कि कंसल्टेंसी फर्म ने BHEL की जो वैल्यूएशन की है वो वैल्यूएशन निकल कर आई है करीब 45,000 से 50,000 करोड़ के आसपास की और मौजूदा जो मार्केट कैप भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 17,500 करोड़ के आसपास है, यानी बेहतरीन वैल्यू है। लैंड बैंक बहुत बड़ा है, 14,000 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है और सरकार इसमें अगर आप देखें तो जो विनिवेश की योजना बना रही है और मान रहे हैं कि सरकार हिस्सा बिक्वारी करके 30,000 से 35,000 करोड़ जुटाएगी, यानी जो डील होगी काफी ऊंची वैल्यू पर होगी। और अन्य वैल्यूएशन पैरामीटर्स भी अगर आप देखें तो सपोर्टिव भी नजर आते हैं। वैसे भी प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 0.6 टाइम्स पर आपको मिल रहा 78 के आसपास की बुक वैल्यू है। इसके चलते ही आप देखिए बड़ा ऑर्डर मिला है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लगातार स्टॉक रिडार पर बना रहता है, इसलिए कमजोर बाजार में भी स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली। ओके, तो BHEL पर डिटेल में हमने इन्फॉर्मेशन समझी है हमारे सहयोगी आशीष से। अब बढ़ते हैं आगे और जरा टेलीकॉम स्पेस का रुख कर लेते हैं। हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया के काफी अच्छे दिन नजर आ रहे हैं और भी कुछ अच्छा हो रहा है इनके साथ, जरा डिटेल में समझते हैं। हमारे सहयोगी कुशल है हमारे साथ। जी, तो सब्सक्राइबर्स को लेकर वोडाफोन आइडिया के लिए अब फाइनली काफ़ी महीनों के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 15 महीनों के बाद फाइनली अगर आप ग्रॉस सब्सक्राइबर काउंट देखें तो जनवरी महीने में करीब 17 लाख एडिशंस जो है वोडाफोन आइडिया करता हुआ दिखा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक यानी कि दिसंबर तक करीब करीब 5.5 करोड़ ग्राहक इनके टूटते हुए नज़र आए थे। तो जो इनके ओवरऑल सब्सक्राइबर काउंट है वहाँ पर अब एक स्टेबिलिटी का इंडिकेशन जो है पहला इंडिकेशन हमें देखने को मिला है। अब देखना होगा कि ये आगे के लिए कितनी सस्टेनेबल रहती है, पर ज़रूर आपको ये देखना होगा कि कंपनी जो है 4G स्पेक्ट्रम में जो अभी हाल फिलहाल ऑक्शन हुए थे वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आए थे और अपनी कवरेज को बढ़ाने के लिए इन्होंने 5 सर्कल्स में स्पेक्ट्रम्स खरीदे थे। तो अब ये चीज़ काफ़ी क्लियर है कि जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है वो आगे के लिए काफ़ी बेहतरीन है, खासकर 5G जिस तरह से ये तैयारी अपनी कर रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इनके आगे के लिए हो सकता है फंड रेजिंग में। तो इन सब क्यूज़ को देखते हुए वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखें तो आज अच्छी तेज़ी भी बनती हुई नज़र आई दिन के दौरान। ओके, तो चलिए कुशल से हमने समझा वोडाफोन आइडिया के अच्छे दिन किस वजह से आए, उस पर डिटेल जानकारी हमने ली। आगे बढ़ते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं। बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज से VK शर्मा जी से। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। कौन सा बंपर कमाई का ऑप्शन आज लेकर आए हैं आप दर्शकों के लिए? जी, बम्पर कमाई नहीं है, माफ कीजिए, लेकिन इस वक्त थोड़ी दिक्कत है बिकॉज जब मार्केट कमजोर होता है तो कॉल के रिकमेंडेशन दे नहीं सकते, फूटे देंगे। और ऐसा देखा गया है कि 90% लोग पुट का काम नहीं करते हैं, कॉल का करने में उनको कोई हर्ज नहीं होता है। तो मेरी ये सलाह है कि आपको जरूरी नहीं कि आप अपना कुछ भी चेंज करें मूड और तरीका, तो आप नहीं भी पार्टिसिपेट करेंगे तो चलेगा। मैं बताना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को खासकर, कि भाई जब आपके हिसाब से मार्केट नहीं चले कोई बात नहीं, छोड़ दो, दो दिन ट्रेड मत करो, लेकिन फिर भी जो लोग करना चाहते हैं मौसम के हिसाब से, तो जो कमजोरी है ICICI बैंक में 1.8% ये स्टॉक नीचे बंद हुआ, लगातार कमजोरी है, तो पहले ये देख लें कि दोनों ही स्टॉक अरविंदो और ICICI बैंक एक बार रुख क्या है रहता है सुबह जी बिजनेस पर, अनिल जी और बाकी जो एनालिस्ट हैं क्या कह रहे हैं, अगर उनको लगता है कि खरीदना चाहिए तो आप ये पुट का सौदा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है जी। अगर वहाँ पे मंदी की वो दिख रही है बात, तो आप इनको जरूर ये दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। तो ICICI बैंक का 580 का पुट खरीदिए 11.5 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए और टारगेट रहेगा इसका 17 रुपए। और अरविंदो फार्मा करीब 3.7% नीचे बंद हुआ, ये भी 800 की पुट खरीदी जा सकती है, इसमें करीब 12 रुपए का ऑप्शन है ये पुट ऑप्शन, और ये 7 रुपए का स्टॉप रखा जाना चाहिए और टारगेट रहेगा आपका 23 रुपए।
दोनों ही हैं वो पुट ऑप्शन है और इसी महीने के हैं यानी मार्च सीरीज के, ये ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शुक्रिया शर्मा जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी सजेस्ट करने के लिए। अब बाजार पर कल के लिए क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल का सवाल है, देखना होगा कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने का कितना असर वहां के बाजारों पर पड़ता है और अगर वहां के बाजार खराब होते तो फिर भारतीय बाजारों के लिए 14,375 वो लेवल होगा जहां तक करेक्शन होने की संभावना बनेगी। अदरवाइज 14,425 की रेंज ही मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर एक बार 14,700-750 की रेंज ऐसी है जहां पर बाजार अटकते हुए दिखेंगे। 14,750 पार करके टीके बंद होते हुए नजर आए कल हफ्ते के आखिरी दिन, तो फिर मजबूती या यूं कहें कि फिर से रिकवरी आने के संकेत आपको मिलेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,100-33,300 के आसपास हल्की रुकावट का लेवल है, सपोर्ट का लेवल है बैंक निफ्टी पर। ऊपरी स्तरों पर 34,500-34,750 की रेंज ऐसी है जहां पर बाजारों पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली फिर से आती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बाजार साफ ये ट्रेंड दे रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी है, बिकवाली भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है। बस बात यही है कि पाँच दिनों से लगातार तेजी से गिर के ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ चुका है, तो हल्का सपोर्ट लेकर एक रिकवरी एक बाउंस दे सकता है। लेकिन बेहतर यह होगा कि इस बाउंस में, इस रिकवरी में आप अपनी तेजी की पोजीशन हल्की करने की कोशिश करें ताकि अगर करेक्शन बढ़े तो निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी का मौका और जगह आपके लिए बन सके। तो ये तो हमने समझ ली कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी, अब कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझते हैं कल का ऑप्शन में। बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से। सुमित जी बहुत स्वागत है आपका शो में, कल के लिए कहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? हाय स्वाति, गुड इवनिंग। कल के लिए मेरे पास दो स्ट्रैटेजी है, एक कॉल में है और एक पुट में है। ऑप्शंस में जो पहला स्टॉक लेने का सलाह रहेगा वो है बजाज ऑटो। एक करेक्शन के बाद आज बजाज ऑटो में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली, तो 3700 का कॉल 60 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा, 30 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में टारगेट 90 से 100 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन स्ट्रैटेजी है वो फार्मा सेक्टर में सन फार्मा, वो पुट लेने का सलाह 580 का। सन फार्मा में 580 का पुट लेने का सलाह रहेगा 10 रुपए के आसपास, 5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 15 से 18 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित जी ऑप्शन स्ट्रेटजी कल के लिए बताने के लिए। और शो के अंत में विकास जी आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक आपकी कौन सी होगी आज? बिल्कुल स्वाति, आज की लॉन्ग टर्म पिक है जो स्टॉक आज बिल्कुल पूरा फोकस में था दिन भर और इतने खराब बाजार में भी आज अच्छे पॉजिटिव गेन्स के साथ बंद हुआ है। स्टॉक का नाम है ITC। इस स्टॉक को मैंने दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग पे भी लॉन्ग टर्म कॉल के तौर पर दिया था, उस समय 185 के लेवल्स थे और मेरा अभी भी इस स्टॉक पे बुलिश टारगेट है। मुझे लगता है इस स्टॉक में सब कुछ है जो एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी में होना चाहिए। बहुत ही शानदार बिजनेसेस है और कई बिजनेसेस है, सिगरेट्स के अलावा इसमें एग्री बिजनेस है, FMCG है, पेपर है, होटल्स है। और अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो इसके जो पीयर्स है उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं। और अब तो खबरें ऐसी भी चल रही है जैसे कि जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव खबरें कल भी करी थी, इस कंपनी का डीमर्जर का पूरा प्लान है। अगर वैसा कुछ होता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे अपसाइड इसमें देखने को मिलेंगे, बिकॉज बहुत ही ट्रिमेंडस वैल्यू अनलॉकिंग होगी। मुझे लगता है ये स्टॉक इन द नेक्स्ट 9-12 मंथ्स और आसानी से 300 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसमें मेरे टारगेट्स रहेंगे 9-12 महीने में 300 रुपए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। तो साल भर तक का नजरिया ITC में रखने की सलाह विकास जी की। विकास सेठी जी बहुत शुक्रिया शो में शामिल हुए, तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही।